और मेरा फेवरेट जो बना हुआ है बैंगन विद देसी घी और चाय। आजकल जो है बाघ का बहुत ही ज़्यादा खतरा है, पिछले 15-20 दिनों से लोग रोज 3 बकरियाँ उसकी चपेट में आई है, तो वो एक ही आदमी की 3 बकरियाँ हैं, तो उसके लिए जो है गुम हुआ था उसकी भी अभी कोई खबर नहीं आई है फिलहाल। और हेलो एवरीवन, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका एक और बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल लव राइडर नंदू में। फिलहाल सुबह के बज रहे 8 और अभी हम अपने घर पे नहा धो के हम हो चुके हैं तैयार। सुबह की हमने चाय पी ली है, इसके बाद ही हमने करना है नाश्ता। और इससे पहले जो है हम दो खेत जो है बो के आ चुके हैं, जो घर में क्यारी वगैरह बाड़ वगैरह होते हैं उनमें हमने मुंगरी यानी कि भुट्टा वो बोया है, और बहुत प्रकार की दालें जैसे राजमा छिमी वगैरह हमारे यहाँ पे होती है वो बो रखी हैं, और मिर्च। तो इस तरीके से अब जो है इसके बाद नाश्ते की तैयारी। फिलहाल आपको दिखाते हैं आज का मौसम, अगर मौसम कुछ इस प्रकार का, आज चारों तरफ धूप खिली हुई है और ये धूप जो लगी हुई है अक्सर आपको हमेशा इसी तरह के देखनी पड़ेगी, खासकर इस मौसम में। तो बादल अगर अभी है नहीं, मौसम साफ है, तो इस वाले खेत में जो हमने 3-4 प्रकार की फसलें बोई हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ा या चौड़ा ये खेत, और यहाँ जो है अखरोट के पेड़ हमारे बहुत ज़्यादा, जैसा कि मैंने आपको बताया भी है, लेकिन अखरोट जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में इस बार हुए थे, फिर इसमें थोड़ी बहुत जो है दिक्कत आई है। और ये दिक्कत है कि अखरोट जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है नीचे पेड़ से झड़ रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है अखरोट गिर रहा है अभी। तो गाइस नाश्ते की तैयारी, और मेरा फेवरेट जो बना हुआ है बैंगन विद देसी घी और चाय, क्योंकि बिना चाय के हम रह नहीं वाले। सिर्फ एक कमी है वो रोटी की, जो गेहूं की है, मंडुए की होनी चाहिए थी, मंडुए का आटा फिलहाल अभी है नहीं, तो अब लपेटते हैं इनको। तो फिलहाल नाश्ता करके अब हम निकल गए शॉप की ओर। गाइस यहाँ पे जो है हमारे गाँव में आजकल जो है बाघ का बहुत ही ज़्यादा खतरा है, पिछले 15-20 दिनों से लोग हर रोज़ शाम को जो है बाघ के दहाड़ने की जो है आवाज़ सुनाई देती है। तो सबसे ज़्यादा खतरा जो है हमारे गांव में है, चौनेलिया में है, नल्ला झाल में है, और साथ साथ कमलिया भी जो है खतरे में अभी है। तो मैं दिखाता हूँ आपको कहाँ पे जो है हर रोज़ बाघ घूर रहा होता है रात भर। देखिए गाइस यहाँ पे जो है ये सामने हमारे गाँव है, ये हमारे गाँव में पड़ता है, और उधर सामने चौनलिया और वहाँ पर नल्ला झाल है। तो यहाँ पे जो है बाघ हमेशा रहता है इस वाले इलाके में, आपको यहाँ नीचे दिख रहे हैं खेतों से इस तरफ, और यहाँ हर शाम को जो है बाघ घूरने की जो है आवाज़ आती है। अभी कल रात को ही जो है दो बाघों के घूरने की आवाज़ एक साथ आई थी। तो यहाँ जो है कोई भी बकरी वगैरह लेके ना जाए, खासकर इस गधेरे में, क्योंकि खतरा हो सकता है, और आदमी भी वहाँ जो है अकेले ना जाए। तो हर रोज़ जो है शाम को जो है बाघ जो है नींद ख़राब कर देता है, रात भर सोने नहीं देते, काफ़ी ख़तरनाक तरीके की आवाज़ निकालता है। तो हमारे पड़ोस के जो है धीरू भाई, धीरेंद्र भाई, उनका हमें जो कॉल आया था बाघ भगाने चलो, लेकिन हम गए नहीं उनके साथ में, अब हम जाएंगे हाथ से। तो भाई जो लड़का गुम हुआ था उसकी भी अभी कोई खबर नहीं आई है फिलहाल, और हमारे यहाँ पे जो है हर किसी से हमने जो पता कर लिया है, लगभग थाली सैंड तक भी अब जो है पता कर लिया है, बाकी बाहर भी हमने बहुत ज़्यादा शेयर किया है, तो कहीं से कोई अभी हमें रिस्पॉन्स तो मिला नहीं। पता नहीं वो बंदा भी कहाँ है, अभी ढूंढते रहिए उसको भी, लेकिन फ़िलहाल जो है खतरा जो है बाघ का है। तो हमारे जो तीनों गाँव हैं नज़दीक में पड़ते हैं, हम एक ही हमारी ग्राम सभा है, तो जंगल भी हमारा नज़दीक ही है सबका, तो इन तीनों गांव में जो है खतरा, लेकिन अभी तक जो है
बाघ के द्वारा नुकसान उतना ज़्यादा नहीं किया गया, सुनने में आया था खाली 3 बकरियाँ उसकी चपेट में आई हैं, तो वो एक ही आदमी की 3 बकरियाँ हैं, तो उसके लिए जो है बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। ऐसे अभी इंसानों पे उसने अटैक करना नहीं किया शुरू, तो धीरे धीरे क्या पता ज़्यादा खतरा भी बढ़ सकता है, इसलिए सावधान रहे, सतर्क रहे और रात को ज़्यादा देर तक जंगलों में ना घूमें, क्योंकि आजकल सीज़न जो है काफल वगैरह का भी है, तो हर कोई जो है काफल खाने का इच्छुक है और जाना चाहता है जंगलों में, तो वहाँ ना जाएं जहाँ खतरा है और सावधानी पूर्वक जाएं। तो अब जो है पहाड़ों में जो सीज़न चल रहा है वो इस तरीके से चल रहा है, ये अखरोट हो गए और अखरोट के साथ साथ जो आड़ू पकते हैं इस बार इसी सीज़न में पकते हैं, दाढ़ी वगैरह जो लगते हैं इसी सीज़न में लगते हैं, के साथ साथ चुवारू बादाम जो वगैरह से सब कुछ जो है इसी सीज़न में जो है अब आपको पक के खाने को मिलेंगे, और बहुत ही ज़्यादा फल फ्रूट जो है अब ये असले सीज़न में जो है हो जाते हैं खाने लायक। तो यहाँ पे घनियाल में ताईजी हैं, ताईजी उनका एक पोलम का पेड़ है जो कि काफ़ी छोटा पेड़ है, और उस पर जागिए अभी हम आपको पोलम दिखाते हैं कितनी भारी मात्रा में आए हुए हैं। चलिए गाइस, ये देख सकते हैं गाइस आप, आइए 2-4 दिन बाद जो है खाने हम शुरू कर देंगे इनको, ताईजी को तो ऐसे भी पता नहीं लगने वाला। और हम तो सिर्फ यही उठा के ले जाएंगे घर बस। तो बहुत छोटा पेड़ है और पोलम जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इसमें। तो गाइस ये भैरव मंदिर में जो भंडारा है उसकी तैयारी जो है नीचे घनियाल में जोरों शोरों से चल रही है, बिस्तर जो है आ चुके हैं मेहमानों के लिए, उसमें जनरेटर भी रखा हुआ है। तो अब कुछ ही दिन बाद वहाँ पे भव्य भंडारा है, तो आप सभी लोगों को आना है, जस्ट यहीं पे मंदिर है भैरव मंदिर, वहीं पे आपको सभी को आना है 8-9-10 तारीख को। चला ना जाते तब आज खाण का। तो चलिए गाइस टाटा बाय बाय, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। आज के वीडियो में बस यही जानकारी आपको देनी थी कि किस तरीके से बाघ का जो है आतंक फैला हुआ है यहाँ पे, तो सतर्क रहिए, सावधान रहिए और टाइम से जो है घरों पे आइए आप कहीं भी कार्य पे गए हुए तो। और हाँ, भैरवनाथ मंदिर में जो भंडारा है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पहुँचने की कोशिश करें, 9-10 तारीख को और 8 तारीख को जो है वहाँ से कार्य शुरू है, वैसे 5-6 से वहाँ पे पूजा शुरू है, लेकिन भंडारा जो है 8-9 तारीख से ही वहाँ पे शुरू है, 10 तारीख को जो है भंडारा समाप्त हो जाएगा।